Hello, welcome students. In previous lecture, we have discussed and learned about uses of indefinite articles. Now today, we are going to discuss about uses of definite article, which is the or we can pronounce it the. Okay. इस लेक्चर में हम डिफाइनाइट आर्टिकल द के यूज के बारे में उपयोग के बारे में जानेंगे. फर्स्ट यूज इज द इज यूज्ड फॉर द मीनिंग ऑफ यू नो विच थिंग और पर्सन, यानी ऐसे किसी अर्थ के बारे में जिसके बारे में पता हो. यू नो विच थिंग मतलब किसी सामान के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पता हो और उसके बारे में अगर कुछ कहना है तो द का उपयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, ओपन द विंडो. अब यहाँ पर ओपन द विंडो मतलब खिड़की को खोलो, तो कौन सी खिड़की खोलना है ये फिक्स है. ओपन द विंडो मतलब अपने रूम में कोई विंडो है उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि दुनिया भर में कोई सी भी खिड़की उसकी बात नहीं हो रही. तो जब प्री नोन चीज है या यू नो विच थिंग से रिलेटेड मीनिंग वाली चीज है तो उसके लिए द का यूज किया जाता है. ओपन द विंडो, दिस इज द बॉय हियर. अब यहाँ पर दिस इज द बॉय हियर यानी यह लड़का यहाँ पर है, तो यह लड़का मतलब कोई स्पेसिफिक लड़के की बात हो रही है, यानी नोइंग पर्सन है कोई, उससे रिलेटेड जब बात होती है तो द का यूज किया जाता है. सो फर्स्ट यूज क्या है कि किस मीनिंग में, यू नो विच थिंग या पर्सन के बारे में, यानी जिसके बारे में पहले से कुछ जानकारी है उसकी अगर बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में द का यूज किया जाता है. ओपन द विंडो, ओपन दिस इज द बॉय हियर, है ना. सेकेंड, यूज्ड फॉर एनी स्पेशल ग्रुप विच आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. कोई स्पेशल ग्रुप है यानी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को अगर कोई नेम कोई नाउन जो है वो सजेस्ट करता है तो उसके लिए भी द का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर है. तो यहाँ पर द डॉग क्यों यूज किया गया है, कुत्ते तो संसार में बहुत है लेकिन यहाँ पर द डॉग जो है ये पूरे वर्ल्ड के कुत्तों का एक ग्रुप आ रहा है इसमें जो कि फेथफुल एनिमल होते हैं, इसलिए द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल यहाँ पर इसलिए द यूज किया जा रहा है. द चाइल्ड इज नोटी, यानी बच्चे शरारती होते हैं तो, या फिर बच्चा शरारती है तो यहाँ पर बच्चे में सभी बच्चे आ रहे हैं, ये पूरा एक ग्रुप बन रहा है बच्चों का जिसमें सभी बच्चे शामिल है. उसी तरह यहाँ पर यहाँ द डॉग का पूरा एक ग्रुप बन रहा है जिसमें सभी डॉग शामिल है. तो ये स्पेशल ग्रुप को जब इंडिकेशन दिया जाता है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जैसे द डॉग इज, द चाइल्ड इज, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और स्पेशल ग्रुप की बात हो तो द का यूज किया जाता है. जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर है, बच्चा शरारती होता है, तो यहाँ पर किसी की भी बात हो रही है लेकिन उस स्पेशल ग्रुप के बारे में बात हो रही है इसलिए द का यूज किया जा रहा है. थर्ड इज यूज्ड बिफोर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेंशन आल्सो. किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम हो या इन्वेंशन का नाम हो तो भी द का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, आई कैन प्ले द गिटार. अब यहाँ पर द गिटार, आई कैन प्ले द हारमोनियम, आई कैन प्ले द पियानो. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का यूज किया जाता है, चाहे हारमोनियम, गिटार, पियानो, वट एवर, द ड्रम, द कॉन्गो. सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जिसकी भी बात करेंगे तो वहाँ पर द यूज किया जा सकता है सेंटेंस में या किया जाता है. आई कैन प्ले द गिटार. हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप. यहाँ पर द टेलीस्कोप यानी कोई इन्वेंशन है ना, कोई आविष्कार है तो उसके पहले भी द का यूज किया जाता है. हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप. फोर्थ, यूज्ड बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में, किसी पार्ट्स के बारे में अगर बात की जा रही है तो द का यूज किया जाता है, उस बॉडी पार्ट से पहले द का यूज किया जाता है. द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड. अब इसका मतलब क्या हो रहा है, द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड यानी पुलिस ने उसको सर पर मारा, तो हेड से पहले द लगाया जा रहा है. द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, तो द किससे पहले, हेड से पहले, यानी पुलिस ने उसको सिर पर मारा. सी कोट द चाइल्ड बाय द हैंड. यहाँ पर द चाइल्ड यानी स्पेसिफिक चाइल्ड की बात हो रही है और द हैंड मतलब बॉडी पार्ट्स की बात हो रही है इसलिए द का यूज किया गया है. शी कोट द चाइल्ड बाय द हैंड. इस तरीके से ये फोर यूज हो गए. यू कैन नोट इट डाउन. Now, the fifth use, dear students, fifth use of definite article the is used before the noun which shows any feeling or quality. यानी ऐसे noun के पहले भी use किया जाता है जो कोई भावना या फिर गुण को
फीलिंग और क्वालिटी यानी किसी गुण या किसी भावना को शो करते हैं। मीन्स द मदर इन हर यानी उसके अंदर एक माँ है, तो ये एक भावना है, फीलिंग है। सो द मदर इन हर, द टीचर इन मी, मेरे अंदर एक शिक्षक है, उसके अंदर एक माँ है, उसके अंदर एक पिता है, उसके अंदर एक दोस्त है। तो ऐसे फीलिंग या फिर ऐसी क्वालिटी बताने के लिए भी द का यूज किया जाता है। तो उस फीलिंग और उस क्वालिटी को द से रिप्रेजेंट किया जाता है। द मदर इन हर, उसके अंदर एक माँ। द टीचर इन मी, मेरे अंदर एक शिक्षक। सो इन फीलिंग और इन क्वालिटीज को द से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिक्स्थ यूज, यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री। माय डियर स्टूडेंट, सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है? जैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि गुड, बेटर एंड बेस्ट। सो ये कुछ डिग्री होती है जिसमें बेटर, जब दो चीजों के बारे में कंपैरिजन करते हैं तो बेटर का यूज करते हैं, ही इज बेटर देन हिम, अनुष इज बेटर देन प्रज्ञा, वट एवर। सो कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और बेस्ट यानी जो सुपरलेटिव डिग्री यानी जो सुप्रीम क्वालिटी होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सो इस तरीके से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द का यूज किया जाता है। जैसे धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, सो द बेस्ट यानी सुपरलेटिव, फिर उसके जैसा कोई नहीं। द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट। सो जो सुपरलेटिव चीज होती है, धोनी इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम यानी धोनी टीम का बेस्ट प्लेयर है, तो बेस्ट है, उससे बेटर नहीं है ना। और गुड की बात नहीं हो रही, बेस्ट है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज किया जाता है। शी इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, यहाँ पर स्ट्रोंगेस्ट नहीं आया, स्ट्रोंगेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है, स्ट्रोंगर यानी दो के बीच में कंपेरिजन चल रहा है। शी इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू गर्ल्स यानी वो दोनों लड़कियों में स्ट्रोंग, थोड़ी मजबूत है, तो द स्ट्रोंगर यानी कंपेरेटिव, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया गया है, द स्ट्रोंगर। यहाँ पर द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, द ग्रेटर यानी कंपेरेटिव, द ग्रेटर यानी जितनी ज्यादा रिस्क होगी द हायर द प्रॉफिट, उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा, है ना। द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट यानी जितनी ज्यादा रिस्क होगी उतना ही ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो जो सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री है उसमें भी द का प्रयोग किया जाता है। नाउ सेवंथ, यूज्ड बिफोर यूनिक थिंग इन द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में जो कोई अद्वितीय वस्तु है, अद्वितीय मतलब जिसके समान और कोई नहीं है, जो यूनिक चीज है उसके लिए भी द का यूज किया जाता है। जैसे द अर्थ, अब इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ही है इसलिए द अर्थ, द सन, सन एक ही है, द स्टार्स, द वर्ल्ड है ना, द इक्वेटर, इस तरीके से द गंगा, द रामायण, इस तरीके से जो संसार में एक है, जो यूनिक है, जो अद्वितीय है, उसके लिए भी द का यूज किया जाता है, यूनिक थिंग्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नोट ईच एंड एवरी पॉइंट इन योर नोटबुक एंड विद एग्जांपल्स सो यू कैन रिमेंबर। आपको सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करना है एग्जांपल के साथ, इसलिए आपको बताया जा रहा है। एट्थ यूज, यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? क्रमवाचक विशेषण, आपने हिंदी में सुना होगा ऑर्डिनल एडजेक्टिव ने, क्रमवाचक विशेषण, जैसे जिसमें क्रम विशेषता क्या किसके थ्रू बताते, क्रम के थ्रू। जैसे द नेक्स्ट बस यानी अगली बस, द सेकेंड पेज अगला पेज, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी पहले प्रधानमंत्री, द थर्ड फ्लोर तीसरी मंजिल। सो पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। सो द नेक्स्ट, नेक्स्ट से पहले द क्यों आया, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द सेकेंड पेज द क्यों आया, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑर्डिनल एडजेक्टिव, द थर्ड फ्लोर। तो इस तरीके से ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। इस तरह मैं आपको अभी मेन मेन आठ यूजेस बता चुका हूँ, और लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन करिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नाइन्थ यूज, द इज यूज्ड आफ्टर मोस्ट सम phrases like most of, some of, both of, half of, none of, all of, either of, neither of, etc. There are so many phrases where after that phrase we can use the.
Phrases are most of, some of, both of, half of, none of, all of, either of, neither of, and many more. Example is most of the money was spent. Neither of the girls is ready. So in this way, after some phrases, we will use the. Now 10th, used after proper noun and before its adjective. किसी प्रॉपर नाउन और उसके एडजेक्टिव है ना, उस नाउन के बाद में कोई अगर विशेषण है, उन दोनों के बीच में भी द लगता है। जैसे नेपोलियन द वॉरियर, यानी नेपोलियन एक योद्धा। अशोका द ग्रेट, अशोका एक महान। तो यहाँ पर द वॉरियर, द ग्रेट, ये इनको क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना, ये जो इनका एडजेक्टिव है, इसलिए इनके बीच में इस एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाए। नेपोलियन द वॉरियर, अशोका द ग्रेट, इस तरह। नाउ द लास्ट, टू टेल अबाउट द ग्रुप्स ऑफ पर्सन, और लोगों के किसी विशेष ग्रुप को शो करने के लिए भी द का यूज किया जाता है। जैसे द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड, द डीफ, द लेम, यानी गरीब लोग, अमीर लोग, जवान, है ना, बूढ़े, अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े, ऐसा एक ग्रुप होता है व्यक्तियों का, उसको शो करने के लिए भी द का यूज किया जाता है। और इस तरह देर आर सो मेनी यूजेस ऑफ डिफाइनेट आर्टिकल द फॉर योर स्टैंडर्ड, दिस इज इनफ फॉर यू, मीन्स 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बहुत कुछ है, ये बहुत है, इनफ है। आपके एग्जाम में इससे ज़्यादा पूछे भी नहीं जा सकते हैं। आप इनको अच्छे से फेयर कॉपी में नोट करिए और इनको एग्जाम्पल सहित लिखिए। ओके, बाय।